हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा, डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चलिए एरी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू। क्या मेन मैसेज है आपके लिए, आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन सितंबर मंथ के लिए एरीज मेष राशि? ओके थैंक यू एरीज। एम्प्रेस ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर है एम्प्रेस की ऊर्जा हमारे पास। ओके और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूम रहा है। ओके चलिए और निकालते हैं पहले कार्ड्स, देन हम बात करेंगे। एरीज ये वक्त है, आपका समय बदल रहा है। सितंबर मंथ इज़ योर मंथ, तो यहाँ जो वाइब्स हैं बहुत ही हैप्पी और बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पे मुझे मिल रही हैं विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपको बस यही बोला जा रहा है, इस वक्त में आपने अपने अंदर ध्यान लगाना है कि आप एग्जैक्टली आप लोग क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उस पर फोकस रहेंगे तो आप वो सब पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो आपके लिए बहुत, जो आपके लिए अच्छा है, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एम्प्रेस की वाइब्स हैं यहाँ पर, बहुत ही लग्जरियस वाइब्स हैं। इस महीने में आप हो सकता है कुछ अपना चेंज ला सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अपग्रेड होना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक बेस्ट वर्जन बनना, या फिर बेस्ट वर्जन भी कह सकते हो आप, या फिर मैं कहूँगी कि तरक्की मिलना आपको, एक्सपेंशन होना, बढ़ना आगे, ठीक है। और ये इस तरह की वाइब्स भी है कि अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पर, तो ये वक्त आपके लिए बहुत शुभ है। एक कुछ नया ऐड हो रहा है, नया ऐड हो रहा है। यहाँ पे प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रही है, और बेबी बर्थ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 9 मंथ्स के कंप्लीट साइकिल को भी दिखा रहा है। वाओ, और सक्सेस है यहाँ पर, ये मंथ आपके लिए सफलताओं का मंथ है ये, और ब्लेसिंग्स रिसीव करने का मंथ है ये। वो कहते हैं ना कि बहुत हो गया, अभी बहुत वेट हो गई, बहुत बुरा वक्त देख लिया, बहुत वेट देख लिया, अब वक्त है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का। इस महीने कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, मे बी आपको कोई नेकलेस या पेंडेंट आपको गिफ्ट में मिल सकता है, कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट में मिल सकती है इस महीने, या फिर आप खरीद सकते हो, या तो आपको गिफ्ट में मिलेगी या आप खरीदोगे। ब्यूटीफुल। और ये जो सितंबर का मंथ है ना एरीज, आपको करना क्या है, ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह लीजिएगा, और इस तरह की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप ज्वेलरी को जितना वियर करना चाहे वो कीजिए, ठीक है। और फ्राइडे के फ्राइडे अगर आप किसी ऐसी चकाचौंध वाली जगह पर अगर जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीनस आपका और जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कमज़ोर भी है वीनस आपका, ठीक है,
शुक्रदेव अगर कमज़ोर भी हैं आपके चार्ट में तो वो भी स्ट्रांग होंगे, आप ऐसी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। आप मॉल जा सकते हैं, किसी चकाचौंध वाली जहाँ पे बहुत खूबसूरती हो, लाइटनिंग हो, ऐसी जगह पे आपका जाना फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से कुछ चीज़ों को ख़रीदना ही है आपको, सिर्फ आप विज़िट ही कर सकते हो, वो इनफ है आपके लिए। ओके, चलिए और दिखाते हैं, देखते हैं। थैंक यू। सितंबर मंथ एरीज मेष राशि। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। बिल्कुल शुरुआत करने का वक्त है ये, कोई नई शुरुआत करने का वक्त है ये, या जो भी करना चाहते हो ना उसको लेकर के एक्शन लेने का वक्त है ये। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान माय डियर एरीज। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपने सोचा, जो भी करने का सोचा, कुछ नया ऐड करने का सोचा, कोई नई चीज़ सीखने के लिए सोचा, या फिर कोई आइडिया है आपके माइंड में कि उसको लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो माय डियर ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये वक्त है एक्शन ओरिएंटेड होने का, समझ रहे हो आप? अभी आपको ये मंथ जो है, इस चीज़ को बिठा लीजिए कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करना है, लॉ ऑफ एक्शन को अप्लाई करना है आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पर, अपनी फायर को यहाँ पे और बढ़ाइए, ऊर्जा बहुत है, आप करना चाहते हैं, कोई आइडिया है, कुछ नया काम करना चाहते हो। खासकर यहाँ पे ये मंथ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वीनस से रिलेटेड है, जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर यूट्यूबर्स हैं, या फिर फैशन इंडस्ट्रीज़ में हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए ये मंथ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मंथ। ओके, तो चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा एरीज मेष राशि वालों के लिए। क्या आ रहा है, कैसा रहने वाला है, क्या बात है, कार्ड आते आते रह गया। फर्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जस्टिस, एक्शन ओरिएंटेड और डिसीजन मेकिंग हो रही है सितंबर मंथ में। कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं एरीज। नाइट ऑफ कप्स। ओके, मून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हमारे पास हर्मिट। ओके, एक कार्ड और मैं निकालना चाहूँगी। ओके, ये अपने आप आया है।
टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास. एरीज, ये जो मंथ है आपके लिए सितंबर मंथ, आपकी वाइब्स बहुत हाई रहने वाली है. आपकी वाइब्स इतनी हाई रहेगी कि आपके आगे कोई भी, जिसे कहते हैं, टिक नहीं पाएगा. आपका ऑरा बहुत ब्राइट रहने वाला है यहाँ पे, और इसी वजह से आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो. और ये जो पॉजिटिवनेस है ना आपकी, यही आप, इसी वजह से आप बहुत, जिसे कहते हैं, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस महीने. अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, अगर पर्सनल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स आपने कुछ समय से देखी हैं, या फिर अगर कुछ लोगों की नज़र है, या फिर अगर आपके पर्सनल एरिया में या किसी रिलेशनशिप में, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, या आप दोनों, आप लोगों में कुछ अनबन हो गई थी, कि जिसका कोई थर्ड पर्सन जो है फ़ायदा उठा रहा था या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, माय डियर, ये जो मंथ है ना, आप बहुत, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है. खासकर ये जो छुपे हुए लोग, जो फ़ायदा उठाने वाले लोग, अभी वो आपका पर्सनल एरिया भी हो सकता है और आपका प्रोफेशनल एरिया भी हो सकता है, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. और आप सेंस कर जाओगे ऐसे लोगों को कि ये आपके लिए हितकर नहीं है, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं, और आप उन्हें अपनी लाइफ से कट कर दोगे. यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है. समय जैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहाँ पे बहुत हाई रहने वाला है. आपकी वाइब्स यहाँ पे बहुत हाई रहने वाली है. आप बहुत क्लियर कट रहने वाले हो, बहुत बैलेंस्ड दिख रहे हो इस महीने में. और जो भी बात करोगे, नपी तुली बात करोगे, लेकिन एग्जैक्टली वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, करेक्ट बात, मतलब थोड़ी बात करना लेकिन बिल्कुल सही, परफेक्ट बात करना, कि उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम, या फिर जिसे कहते हैं ना, कि कोई उंगली नहीं उठा सकता उस बात पर. वो इतनी क्लियर होगी कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर. और यस, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, ये मंथ किसी ना किसी लेवल पर डिसीज़न लेने को लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है. आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के, लॉजिकल माइंड से यहाँ पर डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिल के मामलों को बीच में नहीं आने देना, मतलब इमोशंस को बीच में बिल्कुल नहीं आने देना है. और अगर अभी तक किसी ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसे डिसीज़न को लेकर के आप स्टक थे, उसको लेकर के पूरा अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसको लेकर के आप यहाँ पे एक बैलेंस्ड डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो. और एक बात और कहूँगी, एरीज, इस महीने आप जो भी करने वाले हो, जो भी डिसीज़न ले रहे हो, जिस राह पे भी जा रहे हो, अगर कोई चॉइसेस हैं आपके पास, उनमें से भी अगर कुछ डिसाइड अप कर रहे हो, तो वो डिसीज़न बिल्कुल करेक्ट होने वाला है और बहुत बैलेंस रहने वाला है, जो आपको आगे जा कर के बहुत हैप्पीनेस देगा, बहुत ग्रोथ देगा यहाँ पर. लेकिन एक्शन आपको लेना है. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, विद द जस्टिस कार्ड, अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि किसी की तरफ से कोई रिप्लाई आपको आना है, या कोई और स्टार्ट करे, या कोई और अपनी तरफ से फर्स्ट करे, तो यहाँ पर मैं कहूँगी फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ही रहेगा, फर्स्ट एक्शन आपकी तरफ से रहेगा इस महीने. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो भी करना है, एक्शन जो है फर्स्ट आपकी तरफ से ही रहना चाहिए. अदरवाइज़ वो क्या होता है कि वेट ही रहेगी. आपको यहाँ पे पहल करनी होगी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है. और ये महीना एरीज, आपको आपके अगर आप किसी कंपनी में हैं, जॉब करते हैं, आपके जो बॉस हैं, उनकी तरफ से कोई आपको सरप्राइज़ ऑफ़र, या मुझे ये एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि उनकी तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या फिर कोई ऑफ़र ऐसा जो आपको गिफ्ट की तरह लगे. कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा ऑफ़र, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो आपको बहुत ग्रो करेगी, या जिस चीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो इस महीने आती हुई मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है. और अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बात करूं, आपके करियर लेवल, करियर को लेकर के कहें, या फिर आपके दिल के मामलों में भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, वो बहुत यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने, क्योंकि आप उसी वाइब्स में हो इस महीने.
यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो मंत्र है ना एरीज, आप बहुत हीलिंग कर रहे हो, आपने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपने हीलिंग करी है अपनी, या कुछ चीज़ों को आपने पीछे छोड़ा है, टाटा बाय बाय कहा है, तो ये इसीलिए ये जो वाइब्स आ रही हैं ना आपकी, ये हीलिंग के बाद की वाइब्स हैं कि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो और हाई वाइब्रेशंस पर आप काम कर रहे हो इस समय. और मैं एक मैसेज और आपके लिए देख रही हूँ. अगर आपके पर्सनल लेवल में कुछ वक्त से कुछ बुरा वक्त चल रहा था, समय अच्छा नहीं चल रहा था, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, या ये कोई भी हो सकते हैं, या आप मैरिड कपल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक मैसेज किसी ऐसे चीज़ के लिए नहीं है, तो वहाँ मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है. यस. और अगर आप लोग यहाँ पर अगर अपना खुद का घर लेना चाहते थे, खुद का फ्लैट या प्लॉट या कुछ भी लेना चाहते थे माय डियर, उसको लेकर के एक्शन लेना शुरू कर दो किसी ना किसी लेवल पर. मैं ये नहीं कह रही कि जाके खरीद ही लो, वो कर सकते हो तो वो करो, मतलब कहने का मतलब एक्शन 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 ओरिएंटेड होना है आपको इस महीने. ओके. और एक और मैसेज है एरीज आपके लिए, ये जो मून साइकिल्स होते हैं, ठीक है, मून साइकिल, फुल मून, न्यू मून, ठीक है, इन पर थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है सितंबर मंथ में. हो सकता है उस वक्त में, क्योंकि यहाँ पे मून इफेक्ट करेगा आपको, और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है ये जो मून साइकिल है इस पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है. अगर आप जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, खासकर रिलेशनशिप की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, मून साइकिल्स पर हो सके तो थोड़ा अपने अंदर शांति को आपको बनाए रखना है, ठीक है. एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है, शाउटिंग नहीं करना है, डाउट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि उस वो वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स हों, मे बी आपको मून साइकिल्स इफेक्ट करते भी होंगे, ठीक है, और अगर ऑलरेडी आपको करते हैं तो उस वक्त में आपको थोड़ा धैर्य के साथ चलना है. बस वो वक्त आपको निकाल लेना है, जैसे जिस दिन कहते हैं फुल मून है, जिस दिन न्यू मून है, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद का, और वो वाला दिन जो होता है, ये जो 3 डेज होते हैं उसके आसपास के जो दिन होते हैं ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो उस वक्त पे थोड़ा आपको अपने आप को, अपने इमोशंस को, ठीक है, उनको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, बिना बात का झगड़ा नहीं करना है, किसी और की बातों में नहीं आना है, किसी और की बातों में आकर के अपने रिलेशनशिप को हार्म नहीं करना है, या आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. अदरवाइज़ क्या है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में फ़ायदा उठा ले जाएगा, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से इशू हो सकता है, लेकिन ये सब इल्यूजन्स होंगे, ठीक है, ये सिर्फ वक्त का कहते हैं ना कि वो वक्त ऐसा होगा जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर उसको हमने संभल करके नहीं लिया तो चीज़ें आगे मेजर लेवल पर ख़राब हो सकती हैं, तो वो वक्त आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है. आप लोग ना एरीज, यहाँ पर ये 7 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है जो कि मुझे ये मैसेज दे रही है कि जैसे कि ना आप अपनी पोजीशन को बचाने में लगे हुए हैं किसी लेवल पर, ठीक है, आपने कोई डिसीज़न लिया, लेकिन अब आप जितना आपने अचीवमेंट्स ले ली हैं उसे लेकर के आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, या फिर अपनी पोजीशन को बचा रहे हो, उसको लेकर के कोई अहम यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो. क्योंकि बहुत हो गया इस पोजीशन पे रहना, ये आपका माइंडसेट हो सकता है इस महीने कि अभी मुझे कोई डिसीज़न लेना है. और ये जो जस्टिस की ऊर्जा में आप आ रहे हो ना, बैलेंस्ड वे में, एक अपने आप को सेटल करके, ये जो डिसीज़न आप जो भी ले रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, वो बहुत एप्रिशिएट करने लायक होगा, मतलब एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी. वहीं से ही मुझे एक इम्प्रेशन आपका जो है ना, आपके बॉस की तरफ से आपके लिए आता हुआ दिख रहा है. समझ रहे हो आप मेरी बात? ब्यूटिफुल. और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हायरोफेंट की भी ऊर्जा है माय डियर, ब्यूटीफुल. और यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन की ऊर्जा है,
एरीज, देखिए एरीज, ये मंथ एक मैसेज तो फॉर श्योर है कि आप लोग ना जो भी डिसीजन लें, जो भी करें, लॉजिकल माइंड से करें, ठीक है। इमोशंस को बीच में ना आने दें, क्योंकि हो सकता है अगर आप इमोशंस बीच में लेकर आएंगे तो आप गलत फैसला ले सकते हो। और पॉजिटिव सोचना है यहाँ पर आपको इस महीने, पॉजिटिव जो सोच होगी, ये जो भी सोच है ना, ये आपकी आप यही एक तरीका है आपका, या फिर मैं कहूँगी यही एक प्रोसेस चलेगा सितंबर मंथ में आपके लिए, जो आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग्जरियस वाइब्स नज़र आ रही है, कुछ लग्जरी आप ऐड कर सकते हो, आप अपने घर को चेंज कर सकते हो, घर के अंदर के सामान को आप शिफ्ट या चेंज कर सकते हो, लग्जरी आइटम्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे मिल रही हैं। आपको इस महीने रियलाइजेशंस हो रही हैं अपने आप को लेकर के, कि आप किस चीज़ के लिए बने हो और क्या अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, कितनी सफलता, क्या सक्सेस आप पा सकते हो, और उस पर आप काम कर रहे हो यहाँ पर। और यही जो वाइब्स है ना, यही आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर, यही आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ा रही है। और मैं कहूँगी कि जो भी आपको लगे, हालांकि हम एक जर्नल रीडिंग में ऐसा मैसेज नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आपको नॉलेज हो साम दाम दंड भेद, तो माय डियर अपने काम को करने के लिए जो हो सके वो लगा दीजिए, ठीक है, एक पॉजिटिव मैनर में, बिना किसी को हार्म करे। ओके, यस, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है गॉडेस गाइडेंस से सितंबर मंथ के लिए। एरीज, आपको क्या गॉडेस मैसेज देना चाहते हैं? प्योरिफिकेशन, इट इज टाइम फॉर अ क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो माय डियर, अपने आप को, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर, इन बी स्ट्रॉन्ग, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ इज योर हैप्पी आउटकम। तो यस, आप एक जस्टिस, ये मुझे जस्टिस की ही वाइब्स दे रही हैं, ये मुझे जस्टिस की ही वाइब्स दे रही हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ पर आई थिंक इनको प्रोनाउन करेंगे सखेमत, ठीक है। ये गॉडेस जो हैं, ये आपको यही बता रही हैं कि आप जितना सोचते हो ना अपने बारे में कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो माय डियर। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपनी पावर को क्लेम करो माय डियर। अपने आप को समझो कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो और किस लिए आप बने हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप बहुत आगे जा सकते हो, और जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतनी ही उसी तरह की ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। मैं ऑलवेज कहती हूँ, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सफलता में बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि अहम भूमिका निभाती है। और ये प्यूरिफिकेशन जो है, इट इज़ टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यस, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, अपनी बॉडी को क्लींस कीजिए, अपने माइंड को क्लींस कीजिए। जो हमारा शरीर होता है ना, उससे इतना इतना ऊंचाई पर, एक हाथ जितनी ऊंचाई पर, यहाँ पर हमारा ऑरा होता है। हम जितने लोगों से पूरे दिन में मिलते हैं, बातें करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी नेगेटिविटी को ना हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी हमारी एनर्जीज जो हैं, पूरे दिन को ख़त्म करते करते रात तक हम डल हो जाते हैं, थक जाते हैं। वो थकान क्या होती है? कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हम जो लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये वो होता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, अपनी बॉडी को। बॉडी को तो आप क्लींस कैसे कर सकते हैं? बॉडी को तो आप सॉल्ट वाटर ले सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट बाथ लीजिए, सॉल्ट वाटर आप उसमें डालिए और बाथ लीजिए, ठीक है। माइंड कैसे होगा आपका क्लींस? मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, बहुत सारी आपको मेथड्स मिल जाएंगे। आप सेज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी अगरबत्ती धूप आप जला सकते हो, उसका धुआं लीजिए, घर में कीजिए उसका धुआं, ठीक है। तो कुछ भी कीजिए क्लींजिंग, और
अपने ऑरा के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, ऑरा क्लींजिंग आप कर सकते हो अपनी, ठीक है, ऑरा क्लींजिंग आपकी आप कॉम्बिंग कर सकते हो अगर आप रेकी हीलर हो, आपको पता होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब अपने आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, सबसे पहले तो उसे रिलीज़ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, आपको मे बी आपको ये बहुत हल्का लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपका अगर क्लींस होगा पार्ट तो तभी आप ये सब अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप इस ऊर्जा में टैप इन कर पाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। देखिए यहाँ पर ना ये वाटर है, आप वाटर हीलिंग कर सकते हो, वाटर क्लींजिंग कर सकते हो, पानी पीजिए, पानी पीजिए जितना हो सके। पानी आप इस महीने में जितना पियोगे एरीज, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाएगी। आई एम सॉरी। और जब भी वाटर को पीना है ना आपको, उसको एफएम कीजिए, मतलब किस पर्पस को लेकर के आप पी रहे हैं, कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, आप जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे ऐसे एफर्मेशंस दीजिए। मैं एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ बताऊंगी, क्योंकि सॉल्ट बात तो सिर्फ हम मॉर्निंग में ले सकते हैं या नाइट में ले सकते हैं, है ना। जब हम आप लोग बाहर जाते हैं, बाहर जब हवा चलती है, वो एक नेचुरल क्लींजर होता है। आप जिस तरफ से हवा आ रही है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाइए, कि आपको छू करके हवा निकले। और बस ये सब ना इमेजिनेशंस होती हैं, और बिलीव में ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होती है, बस आपको ऐसा फील करना है कि जिस तरह से हवा आपको छू करके निकल रही है, आपके ऑरा में जो आपका ऑरा है, जितनी भी नेगेटिविटी आपने अब्सॉर्ब कर रखी है, वो सब क्लींस हो गई है, ऐसा फील कीजिए। बहुत ही ईजी मैथड्स हैं। वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस महीने, ओके। चलिए देख लेते हैं, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से भी देख लेते हैं। एरीज मेष राशि सितंबर मंथ क्या कहना चाहते हैं आपको? टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, Do not hurry. You are watched over and will be looked after. देखिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, हरी नहीं करो, रिलैक्स करो, थोड़ा अपने लिए समय निकालो और तसल्ली के साथ काम को करो। जो भी काम आपका है ना, वो हो जाएगा। एक्शन लो, अपना काम करो, अपना कर्म करो, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर के। शांत मन के साथ चलना है आपको। ये प्योरिफिकेशन जो है, देखिए क्या है, जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हमारे माइंड में, हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है ना, तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या हमें ऐसा लगता है हो तो कुछ रहा नहीं है, क्या करें, कैसे करें, तो हड़बड़ी में या फिर फ्रस्ट्रेशन में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो रिलैक्स करना है और थोड़ा समय निकालिए माय डियर। जो आपको चीज़ें पसंद है ना, वो कीजिए। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने का यही एक तरीका है। गेम्स कौन सी पसंद है? लूडो खेलिए। यहाँ पे अगर देखेंगे चौसर, आई थिंक ये होता है, आई डोंट नो व्हाट इज चौसर एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है, नाम पता है बस, लूडो टाइप से ही होता है ये भी, ठीक है। लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, मतलब जो आपको जिस चीज़ में मज़ा आए, ऐसी गेम्स को ऐड कीजिए, ताकि आप थोड़ा सा लाइट माइंड में आ सकें। मतलब एक प्रेशर होता है ना, उसे रिलीज़ करना है आपको, समझ रहे हैं। और प्रेशर रिलीज़ कैसे होगा? कुछ भी खेलिए, कोई स्पोर्ट्स के साथ जुड़िए थोड़ा आप यहाँ पर, ठीक है। इंडोर हो सकते हैं उनके साथ, वो खेलिए, ठीक है। टीवी के साथ, गैजेट्स के साथ थोड़ा कनेक्शन को कम कीजिए, वो हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करता है, चाहे उसमें हम गेम्स ही क्यों ना खेल रहे हों, वो हमारे स्ट्रेस लेवल को और बढ़ा ही देता है, ठीक है। ऐसी वहाँ से वाइब्रेशंस मिलती हैं कि वो और बढ़ा देता है, तो वो रिकमेंड नहीं करूँगी मैं आपको। लेकिन यस, और जो हम बचपन में खेल खेलते थे, उन्हें आप ऐड कर सकते हो कुछ भी। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन, हैव फेथ,
wait and rejoice for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. देखिए यहाँ पर ना आप डिवाइन को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हो. जब हम हाई वाइब्रेशन पे वर्क करते हैं ना, जब हमारी वाइब्स हाई होती है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होती है. अंधेरा, नेगेटिविटी, वो बहुत उसकी आंखें, जैसे कहते हैं ना कि आंखें उसकी चुभने लग जाती हैं रोशनी को देख करके, वो सहार नहीं सकता उस रोशनी को और वो चाहता है कि वो वहाँ से जो रोशनी आ रही है ना वो उसको डिम कर दे या ख़त्म कर दे. तो जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है तो सबसे बड़ा एक मैटर जो आता है वो है प्रोटेक्शन का, कि प्रोटेक्शन कैसे दी जाए. यहाँ पे सबसे ईजी यहाँ पे आपको लॉर्ड कान्हा बता रहे हैं, भगवान पे विश्वास रखना है आपको, उनसे मदद मांगिए. उनके सिवा मतलब उनसे बड़ा और कौन हो सकता है. जो आप जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे मदद मांगिए. आप उनसे अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, अपने ओरा को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, अपने एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं. और ऐसा फील कीजिए कि आपके चारों ओर वाइट कलर की लाइट है. अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों ने सैक्रेड ज्योमेट्री के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग उनके साथ काम कर सकते हैं, जिसमें एक मरकाबा ज्योमेट्री है. अगर नहीं पता है आप उसके बारे में सर्च मारिए. मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो सही नहीं होती है. तो बिना जानकारी हासिल किए किसी भी चीज़ पर काम मत करना शुरू कर दीजिए. अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और मेडिटेशन तो आपको करनी ही करनी है, ये आपका माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप वो मरकाबा की मेडिटेशन आप कर सकते हो. आप एक बारी सर्च करेंगे मरकाबा की मेडिटेशन के बारे में, वो एक सेक्रेट ज्योमेट्री होती है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं. लिटिल बिट सिमिलर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है. ये मेडिट्रॉन की है ज्योमेट्री, लेकिन मैं मरकाबा बोल रही हूँ आपको. आप उसके साथ काम कर सकते हो, वो आपको प्रोटेक्शन देगी. और उसके साथ काम करने का मतलब ये है कि जो आप डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ मिल रहे हो उनकी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट या वो आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे, आप प्रोटेक्टेड रहोगे अगर आप सही तरीके से करते हो तो. और देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी तरफ. प्रोटेक्शन पर रखिए, ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना बहुत इजी है. आप मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए और अपने आपको क्लींस रखिए और डिवाइन के साथ जुड़िए, अपने अंदर की लाइट के साथ जुड़िए, आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लग जाएंगी. लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या होती है, उस वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखना और प्रोटेक्शन को लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस पर ज़रूर आपको काम करना है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, ठीक है. चलिए लास्ट आपके लिए देख लेते हैं हम क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज और क्या करने की ज़रूरत है एरीज को सितंबर मंथ में. इमेजिन एंड इनविजन. देखिए विजन, अगर आप विजन बोर्ड बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाइए, ठीक है. इमेजिनेशन आपकी, ये जो मैंने आपको मरकाबा सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में बताया ना, ये भी इमेजिनेशन पर ही वर्क करता है. आप विजुलाइज करते हो उस सेक्रेट ज्योमेट्री को, तो वो उसी तरीके से वर्क करता है. बाकी आपको प्रोसेस आपको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा. तो आप जो चाहते हो ना माय डियर, ये जो कार्ड है कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, आप देखिए एक बार, ठीक है. विजन बोर्ड बना सकते हो आप, लिख सकते हो आप जो आपको चाहिए. थोड़ा समय बिताइए, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपका पैशन है या जो आप चाहते हो एग्जैक्टली अपनी लाइफ में, जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है. बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज़ कीजिए कि वो सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप उन पलों को जी रहे हो, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो या आप एग्जैक्टली इस वक्त पे उन्हें जी रहे हो. और वो एनर्जी को अपने अंदर फील कीजिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए जो आप विजन्स आप डालोगे ना, वो बहुत काम करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं. यहाँ पे इमेजिन एंड इनविजन का कार्ड है. और विजन बोर्ड अगर आप बना सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको पर्टिकुलरली कोई आपको घर खरीदना है या फिर आप कुछ भी, आप कोई ज्वेलरी आप बाय करना चाहते हो या गिफ्ट में चाहते हो या कुछ भी चाहते हो, उसकी पिक लीजिए
और अपने सामने, अपने स्टडी टेबल पे सामने, जहाँ आप हर वक्त उसको देखें, इमेजिन करें, वो कर सकते हो आप। विजन बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, जो जो चीज़ें आप चाहते हो उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, जो भी चाहते हो माय डियर, अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो ये मंथ है अट्रैक्ट करने का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और अपनी वाइब्रेशंस को और हाई करना है, और उसके साथ ही साथ हमें प्रोटेक्शन भी लेनी है। लेकिन किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी करना है एक रिलैक्स मोड में करना है। ऐसा नहीं हो जाना है कि उसी चीज़ में जूझ जाना है आपको इस महीने, नो। अपने लिए समय निकालिए, अपनी एनर्जीज को भी लाइट कीजिए, अपने माइंड को लाइट कीजिए, थोड़ा गेम्स के साथ जुड़िए, ठीक है, अपनों के साथ जुड़िए, ठीक है। तो ये सीरीज़, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपकी, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।